दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ऊना जिला का गांव भुटोली कोरोना महामारी का हॉटस्पॉट क्षेत्र बन गया है। गांव के एक ही बाढ़ से 40 लोगों के कोरोना संक्रमित होना चिंता का विषय है। मामले को गंभीरता से देखते हुए डीसी ऊना संदीप कुमार ने स्वयं इस गांव का दौरा किया और गांव में तैनात कोरोना वॉरियर्स से फीडबैक ली। डीसी ने गांव के लोगों से भी कोविड-19 नियमों की पालना करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति या महिला बाहर घूमते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस व प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। गांव में ये संक्रमण एक टैक्सी चालक के पॉजिटिव आने से फैला है, जिसने कोविड-19 नियमों की पालना नहीं की थी। जो भटोली गांव है हमारा महतपुर के नज़दीक है, वहाँ स्थिति वाकई जो है वो बड़ी चिंता वाली बनी हुई है। जैसा आपको जानकारी है वहाँ 40 के करीब करीब उसी एक गांव के एक वार्ड के लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं और ये सारा संक्रमण जो है वो एक व्यक्ति से फैला। बार बार हम उस गांव के या उस क्षेत्र के जो भी निवासी हैं उनके लिए हिदायतें दे रहे हैं कि वो प्रशासन का सहयोग करें, होम क्वारंटीन ही रहें जब तक स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है। लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वहाँ के लोग अभी भी जो हैं वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आज हमने स्पॉट पे जाके भी देखा, वहाँ के जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात की, हेल्थ वर्कर से बात की, आशा वर्कर से बात की। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तीनों ही एजेंसीज ने, हेल्थ वर्कर, पुलिस एवं पंचायत के प्रतिनिधियों ने हमें ये बताया कि वहाँ के लोग बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अभी भी लोगों का जो है वो इधर उधर जाना आना जाना रहता है। यहाँ तक कि एक कोई केस जो रात को पॉजिटिव आया है वो आज मार्केट में घूम के आया, लोग टेस्ट करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं बीमार पड़ रहे हैं घर में। मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये महामारी को आप एक लाइटर वे में मत लें। 40 नंबर एक गांव से आना बहुत बड़ा नंबर है हिमाचल के संदर्भ में और ये नंबर अभी और बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं क्योंकि अभी जैसे जैसे सैंपलिंग होगी, जैसे जैसे आप छुपाएंगे अपने आप को, वैसे वैसे ये नंबर बढ़ता रहेगा। और आज हमने वहाँ मेरे साथ एसपी थे, एडीसी हमारे एडिशनल एसपी, हेल्थ के सारे थे, सीएमओ वगैरह सारे, हम एक मीटिंग भी करी है कि जो लोग आज सैंपलिंग के लिए नहीं आएंगे उनको हम, जो पुलिस कार्रवाई करेगी सैंपलिंग के लिए उनसे हम सैंपल करवाएंगे ही करवाएंगे, नहीं तो उनके वहाँ पर रहने से जो है वो और जो है वो इन्फेक्शन फैलेगा, उनके परिवार में फैलेगा सबसे पहले तो। और जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनके विरुद्ध आज भी जो है वो एफआईआर देने के लिए हमने कह दिया है कि जो लोग घूम रहे थे, और कुछ लोग जो अभी और फ्यूचर में कुछ ऐसे सामने आएंगे तो हम अब सख्ती के साथ ही उनके साथ पेश आएंगे। मैंने आज आदेश दिए हैं कि वहाँ पर वीडियो सर्विलेंस की जाए, हेल्थ वर्कर को भी कहा है कि जहाँ उनको उनके साथ कोई बदतमीजी करता है, कोऑपरेट नहीं करता है तो उसकी जो वीडियो सर्विलेंस जो है वो पुलिस के माध्यम से हम करवा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग समझेंगे, इस स्थिति को समझेंगे कि कितनी मतलब स्थिति गंभीर हो रही है डे बाई डे, और प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे। सैंपल ना देना अपने आप में गुनाह है। यदि आप पॉजिटिव हैं तो हमें पता लग जाएगा तो हम आपकी केयर करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप अपने सैंपल सारे करवाएं, नहीं तो हम ज़बरदस्ती कार्रवाई करेंगे आज और आपके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। और आप अपने घर में ही कन्फाइन रहें, नहीं तो पूरे का पूरा गांव जो है वो आइसोलेशन में चला जाएगा और वहीं पर हमें आपके जो पशु हैं उनको वो परेशानी में, उनके लिए परेशानी है। आप सब लोग वहाँ पर काम काज करने वाले हैं, वो परेशानी बढ़ती ही जाएगी। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि आप जो नियम बनाए हैं उनकी पालना करें जिससे कि सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से वी कौंडल के साथ मनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहरा अपर में इस सत्र सिटी फार्मेसी के लिए भी दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वर्ष 2007 से बी फार्मेसी की कक्षाएं चला रहे डीडीएम कॉलेज की चेयरपर्सन चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि प्लस टू उत्तीर्ण विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, जिसके लिए 60 सीटों का प्रावधान है।
इससे पहले डीडीएम में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बी फार्मेसी की 60 सीटों हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि डीडीएम शिक्षण संस्थान पीसीआई से अप्रूव्ड है और इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि इस कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है। डी फार्मेसी और बी फार्मेसी एडमिशन हेतु इस नंबर पर संपर्क करें।